टॉस हो भाई, टॉस जीता है। अरे एक लेन में नीचे भी आ जाओ भैया। भाई रात का समय है, अलाप लगा हुआ है, जनवरी में टूर्नामेंट कराना भाई, बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड। मुकाबला स्टार्ट होता है, टॉस जीता था जेडीबी रूपास की टीम ने, कोर्ट चूज किया, पहली रेड लखावटी की तरफ से, मुन्ना लखावटी की टीम है। और ये भाई एक बहुत जबरदस्त मुकाबला आपके सामने, चंद्रे से सम्रेड में पहली रेड एम्प्टी रेड, चंद्रेश बनाम नितिन रहने वाला है मुकाबला। नितिन जेडीबी रूपास की तरफ से पहली रेड में, एक लेफ्ट रेडर तो दूसरा राइट रेडर, एक कमाल का मुकाबला दोनों तरफ युवा टीम में। हिमांशु राणा बैक होल्ड करने का प्रयास, उसके बाद मन चेंज किया और भैया इधर इधर लाइन मैन कौन है इधर, चिंटू तू बहुत बढ़िया भाई, करण चिंटू तुम ठीक है, करण और चिंटू बढ़िया भाई, इधर विक्की और डबल विक्की, चंद्रेश बहुत बढ़िया भैया, मल्टी पॉइंट रेट कमाल की रेट चंद्रेश की। नितिन हालांकि चंद्रेश ने भाई मनसूबे साफ जाहिर कर दिए हैं, नितिन पर भारी पड़ने वाले हैं, नितिन ने मानी सिंगल पॉइंट रेड की, चंद्रेश ने मल्टी पॉइंट रेड, भूख कड़ी कबड्डी टूर्नामेंट का मुकाबला। कॉर्नर सेल्फ आउट, एक्स्ट्रा के रूप में पॉइंट मिलेगा, स्कोर दो दो बराबर, दोबारा गिरवा दे कली। सुमित ने जिम्मा संभाला है इस बार, एक तरफ से एक मात्र रेडर भैया, क्या यहाँ एक और बिल्कुल पलटी लगाई है सुमित ने, पॉइंट मिलेगा। हेलो लखाव डिगी टीम को हाँ देंगे, मैं रुजा एक क्लासमेंट करूँ मैं, दो तीन स्कोर है भैया, हमारे म्यूजिक से प्रभावित होकर मास्टर किशन पाल ने भैया म्यूजिक वाले इनको एक दूध की बोतल पहुंचाइए, किशन मास्टर किशन पाल का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरस का प्रयास किया है, मार्कर है को ले जा, प्रयास में भाई एक पैर हवा में होना चाहिए, दूसरा पैर बोनस लाइन क्रॉस होना चाहिए, अंकित दूध की बोतल है भैया, अब जो मुझे पते ना नमस्ते इंडिया की है या मदर इंडिया की है या फादर इंडिया की है। दो तीन का स्कोर, बारह दोबारा का मुकाबला, जो टीम शुरू में बढ़त बना जाएगी वो टीम इस मुकाबले को अपने पक्ष में करेगी, हालांकि बराबरी की टीम है टक्कर। भैया इस मैच के बाद राणा माचो और जेडी इस मैच के तुरंत बाद सुमित एक बेहतरीन पल्टी लगाई थी, लंबी कद काठी रीस्ट बेहतरीन इस खिलाड़ी की, दो चार का स्कोर। चंद्रेश को बहुत समय बाद रेड मारने का मौका मिला है, हालांकि एक बेहतरीन डुबकी के साथ मल्टी पॉइंट रेड की थी, एक और टच पॉइंट मिलता हुआ, दो पांच का स्कोर, थर्ड रेड डोड़ रेड
और यहाँ टैकल हुआ तो मुसीबत बढ़ेगी। राणा गलती करते भाई कमेटी पॉइंट मिलता है ख्याल रखते हुए हमारे बड़े भाई रामकरण जी जिन्होंने कमेटी के लिए भी एक किलो मूंगफली मंगवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद रामकरण जी का। जो प्रेंदर कसाना के पिताजी है भैया रामकरण जी, चंद्रेश को रोकना कड़ी चुनौती भाई, ब्लॉक करने का प्रयास था, पीठ दिखाई थी चंद्रेश ने, लेकिन जैसे ही काम किया कामयाबी मिली चंद्रेश को, पलटी लगाई एक और। साइड किक पॉइंट मिलेगा एक और, जीडीवी रूम बास को 4-6 का स्कोर। सुमित सर्दी का समय पूरी तरह से कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, रात्रि में चलता हुआ टूर्नामेंट, 4-6 स्कोर है। बॉक्स का प्रयास क्या है, राणा कुछ असहज महसूस कर रहा है एक लड़िया जी, पर शूट जरूर किया था। छह 5 स्कोर, भैया अशोक सिरोरा जहां कहीं भी हो कमेटी में मिले। डुअर डाई रेड पे जिम्मा सवाला है चंद्रेश ने, हालांकि आज काफी प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने, युवा खिलाड़ी है, जबरदस्त गेम के लिए जाना जाता है खिलाड़ी। फिर से कामयाबी मिलती हुई चंद्रेश को, सात स्कोर, अभी भी 2 पॉइंट का मार्जिन जरूर है, लेकिन राणा ये कमाल का टैकल है, दोनों एंकलों पर गए एक साथ, गिरफ्त में लिया। टाइम आउट लिया है, कहां लेगा पांच 8 चंद्रेश 2 ग्रेड मैच में सुपर टैकल की सिचुएशन, टैकल हुआ तो फिर से स्कोर बड़ा अभी की तरफ जाएगा, लेकिन चंद्रेश जिस तरह का गेम दिखाया आज, फुटवर्क बेहतरीन चल रहा है, स्पीड भी थोड़ी बढ़ी है और मुकाबला के हिसाब से। और विक्की ओ विक्की पुरी भाई तेरी स्कूटरी की चाबी एक मिनट को दे दी, ये स्कूटरी मुझको एक सवारी डिलीवर करनी है, यहां कामयाबी मिलती हुई। कौन है चाबी? ओ कैसे मौजानिए बुलंद शहर, धीरे धीरे जो स्कोर है अंतर है वो बढ़ता हुआ, बोनस का प्रयास किया था, बोनस मिला है, ऑल आउट मिलता हुआ। छह 12 का स्कोर, अब लीड आ गई 6 पॉइंट की लिखावटी के पक्ष में। चंद्रेश अभी तक डिफेंस शांत नहीं कर पाया चंद्रेश को,
लगातार पॉइंट अर्जित की है चंद्रेश ने, लेकिन मनीष लगातार बेहतर गेम दिखाने का प्रयास जेडी वीरू बास की तरफ से, लेकिन इन खिलाड़ियों को रोकना। ऑन कर कर एक चिंता का कुछ मिला है। अंतर अभी 6 पॉइंट का है जो लगातार बहुत समय से बना हुआ है। हेलो, कभी एक पॉइंट इधर तो कभी एक पॉइंट इधर। भाई जिले पंडित जी, जहां कहीं भी हो अटौर से वो कमेटी में आए, कमेटी उनका स्वागत करेगी। ये चंद्रेश की साइड किक है, चंद्रेश की गाड़ी निकल पड़ी आज, जिसे रोकना बहुत बड़ी चुनौती। लगातार जीडीवी रूप बास की तरफ से बोनस का प्रयास किया गया है, और लगातार बोनस अंकर जीत किए हैं। अरे भैया, खिलाड़ियों के लिए एक और खुशखबरी है, जिस किसी को भी कहीं जाना है हमारे वीरेंद्र भाई उनकी तरफ से ट्रेवल्स फ्री है, जो भी कहीं जाना चाहते हो आके कमेटी से संपर्क करें। 9-15 स्कोर। यस, जेडी एकेडमी और मार्चा भाई दोनों की दोनों टीम बिल्कुल तैयार रहे, जेडी एकेडमी और मार्चा। चंद्रेश ये वो खिलाड़ी है जिसने इस मुकाबले की अगर बात अटौर से जो भूतपूर्व खिलाड़ी है जिले पंडित जी, मध्यांतर वो जल्दी से जल्दी कमेटी में आए भैया, कमेटी उनका स्वागत करेगी। फूल और माला पहना के अभी भी 4 पॉइंट का अंतर। क्या बात है भाई, फर्स्ट हाफ की कहानी की बात करें, सॉरी पगड़ी 6 पॉइंट का अंतर है। गुरु जी ऐसे ना दियो, खापड़ी के पक्ष में ये तो जी 10-16 स्कोर, ये तो आपकी गुरु की दक्षिणा। बैठो, खाना पीना सब व्यवस्था जी, बैठो। मुकाबले की अगर बात करें तो भाई सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट है, 11-16 का स्कोर है, 5 पॉइंट का भी भैया। नितिन भैया ठंड का सितम जा रही है, फर्स्ट हाफ रहा जिस किसी भाई को सेकंड हाफ का मुकाबला पीने की चाहना है और वो भाई राजू भाई से संपर्क करें और भाई पहुंच जाए कोठी नंबर 3। ये कमाल करने का है, बोनस जरूर मिला है, 1-1 ईच मिलेगा। चंद्रेश बनाम नितिन मुकाबले में अभी तक 5 पॉइंट की लीड में चंद्रेश। यहां कामयाबी मिलेगी एक बार फिर से रूप बास की टीम को।
धीरे धीरे जो स्कोर है, जो अंतर है वो कम हो रहा है। मात्र 4 पॉइंट की लीड बची है, एक समय 6 पॉइंट की लीड रहती थी लगातार। डीडब्ल्यूबी लखावटी के पक्ष में है और चार पॉइंट की लीड है। 13-17 स्कोर। चंद्रेश प्रयास यहां कामयाबी मिली डू ऑर डाइड में फिर से जेडीबी रूपबास को। और जो स्कोर है वो धीरे धीरे नहीं, बहुत स्पीड से कम हो रहा है भैया। 14-17। अरे जिस किसी भाई की पीने की इच्छा है वो धर्मवीर नेताजी से संपर्क करें भैया। छतवाड़े हटी न रहे, जो सोच रहे जो ऊपर है तो ऊपर ही है, मान ऊपर ही मान। फिर से कामयाबी मिली जेडीबी रूपबास ने। सेकंड हाफ में पूरी तरह से मुकाबले को अपने गिरफ्त में ले रखा है। चार का डिफेंस नितिन को क्या रोक पाएगा डिफेंस। मनीष सामने से आए, एक और जबरदस्त टैकल देखने को मिला। बहुत समय के बाद लखावटी को पॉइंट मिला है। 15-18 स्कोर, 3 पॉइंट की लीड अभी भी लखावटी के पक्ष में है। लेकिन जेडीबी रूपबास क्या यहां से वापसी करेगी, जिस तरह पहले वापसी की थी बिल्कुल सेम उसी तरह मुकाबले में वापसी की है। बोरस का प्रयास जरूर किया है लेकिन मंजिल बहुत दूर है, सीमा बहुत दूर है। और एमपी रेड देखने को मिलेगी। अगली टीम मोचा और जेडी एकेडमी, दोनों टीमें तैयार हैं भाई। दोनों टीम ग्राउंड के बीच जा रहे हैं। मोचा और जेडी एकेडमी, जेडी एकेडमी नोएडा और मोचा। बोनस का प्रयास जरूर किया था लेकिन पैर स्लिप हुआ जिसका फायदा उठाया जेडीबी रूपबास ने। डोर डायरेक्ट दोनों तरफ से बिल्कुल भाई एक कमाल का टैकल है, बिल्कुल इसे कह सकते हैं। मुंडा डैश कभी कवास सरदार मारते हैं। सुरेंद्र सिंह पादी जो कि युवा में है, उन्नीस 16 3 पॉइंट की लीड, पूरी तरह से मुकाबला डू ऑर डाई पर। ऑफिशियल टाइम आउट। कमेटी के लिए 5 किलो मूंगफली मंगाइए भैया। 16-19 ये जो 3 पॉइंट की लीड नेताजी को बार बार धन्यवाद कि 5 का डिफेंस है, बोनस आपको मिलेगा नहीं। डू ऑर डाई पर अगर मुकाबला रहता है तो दोनों तरफ से रेडर लगातार कामयाब हुए हैं। रेफरी को निर्णय सर्वमान्य होगा अंकित।
19-17 अंतर मात्र 2 पॉइंट का रह गया है। टाइम आउट लिया है, मुन्ना को मेरे ख्याल अंदर लेकर आएंगे क्योंकि एक रेडर अंदर चाहिए। बिल्कुल मनीष और मुन्ना को अंदर लेकर आए हैं। डू और डाई रेड, जरूरत पड़ी एक रेडर की अंदर लाने की। बिल्कुल चंद्रेश का रिवाइवल कराना होगा जल्द से जल्द। भैया सिप्पी मावी भाई जयसिंह जी से मिला एक बार। डू और डाई रेड है, बेहतरीन ये एंकल होल्ड है, कमाल का टैकल। 18-19 भैया स्वागत की कड़ी में एक नाम और जो पापू है सरपाबाद से, वो कमेटी के पास आ जाए। जो विक्की है हमारे रूप राम जी के लड़के, वो उनका स्वागत करेंगे। बेहतरीन ये सुपर टैकल, कमाल का एड़ा है सर। भैया जहाँ कहीं भी हो घड़े से मिलने जाए के। 18-21 स्कोर, अंतिम 3 मिनट का समय शेष और 3 पॉइंट की लीड है। अंतिम 3 मिनट, रेडर बाहर ने 3 इस समय अंदर। मनीष एक और कमाल का टेकर, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको समय नहीं काटना है। जेडीवी रूपबास को वापसी अगर करनी है तो समय नहीं काटना है, जल्दी रेड करनी है। लेकिन लकावडी के लिए सिचुएशन है, समय काट कर आइए, 4 पॉइंट की लीड में है आप। अगर आप टच पॉइंट भी लेकर आएंगे तब भी आप 2 मिनट अंतिम 2 मिनट का समय। इस मैच की 2 मिनट शेष, 2 और 2 रेड है, 5 का डिफेंस दोनों तरफ। इस मैच के बाद अंतर है 4 पॉइंट का और मैच भाई दोनों की दोनों टीम बिल्कुल रेडी रहे। और अशोक सिरोरा जहां पर भी हो भैया कट रहा है, कमेटी से आगे मिले क्योंकि वही रेफरशिप करेंगे अगले मैच की। डू और डाई रेड है, रिस्क लेना है रेडर को। रेड आउट, टाइम आउट लिया है, डू और डाई रेड है। 19-22 का स्कोर, 3 पॉइंट का अंतर अभी भी लखावटी के पक्ष में। 4 गड़ का अरे भैया ग्राउंड में इतनी सारी भीड़ आ गई, मनीष एक और भैया सब बाहर हो जाए। गोरी अब तो नहीं, गोरी अंतिम 1 मिनट का समय शेष और लीड है 4 पॉइंट की, 19-23 स्कोर। सीपी मावी जी कमेटी में बैठो, अच्छा मजा ले रहे हो। हाँ भैया आ जाओ भैया। 19-23 स्कोर भाई मोहित पहलवान एक हंसी के दीवाने हैं लोग। जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। यहाँ
पॉइंट मिलेगा। एक और भाई 21 सेकंड का समय शेष है और लीड की बात करें तो अभी भी 3 पॉइंट की लीड है। अरे भैया यासीन का सन्नू अगर यहाँ आउट भी हुई, रेड भी खत्म हुई तो भी 2 पॉइंट से जीत जाएगी। रेड आउट, मुकाबला समाप्त। बाजी मारती हुई लखाउट की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।